ये नीतीश कुमार ये महिला को परेशान कर रहा है, तो उसके लिए माफी मांगे तब छोड़ना, नहीं तो छोड़ना ही नहीं, ये जेल भेजो। मैं मोदी को बोल दूंगा, ये हमारे गुजरात का है, मोदी गुजरात का शेर है। मोदी जी के लिए हरा देगा गठबंधन, मोदी जी को बोल देंगे को पेश करो उसको। नीतीश कुमार सठी आ गए हैं, पूर्ण रूप से सठी आ गए हैं, माफी मांगते हैं अगर बुरा लगा है तो। माफी क्या किसी को, माफी से गला वापस आ जाएगी? किस वर्ग के लिए काम कर रहे हैं? अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने बेटे भतीजे के लिए काम कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं? वो नीतीश जी बेशर्म हो चुके हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। ये हमारे बिहार के लिए नहीं है, पूरे इंडिया के लिए बहुत शर्म की बात है, और उनको तुरंत यथाशीघ्र इस्तीफा देना चाहिए। भ्रष्ट लोगों के साथ करके भ्रष्ट वाणी का उपयोग करते हैं, गांजा पीते हैं, हमेशा नशा में रहते हैं, दिन भर में कम से कम 20 चिलम गांजा पीता है वो। हम वहीं के रहने वाले हैं, उनका बेटा जो है वो भी गांजा पीता है। हाँ, उनके घर में कोई स्त्री नहीं है, नारी नहीं है, बेटा का शादी नहीं हो रहा है, बेटा 40 साल 45 साल का हो गया, अभी तक शादी नहीं हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ नीतीश जी को, जो हमारे नीतीश जी सीएम साहब हैं, 20 साल हो गए उनको, आधी उम्र के आधी से आधी निकल गई, कुछ बचे हैं, ऐसे में सठिया गए हो, बिहार वालों को बदनाम कर रहे हैं, और बिहारी जहाँ जहाँ भी है उनको बदनाम कर रहे हैं और देश को बदनाम कर रहे हैं। अब से पहले बीजेपी के साथ थे बिहार में, बहुत बढ़िया चल रहा था सिस्टम, जैसे ही ये लालू के लड़के के साथ आए, नौमी फेल, उसके साथ आते बिहार में क्राइम बढ़ गया, लूट बढ़ गया, डकैती बढ़ गई, मर्डर बढ़ गया, और रोजगार के नाम पे जीरो। ये नीतीश कुमार ये महिला को परेशान कर रहा है, तो उसके लिए माफी मांगे तब छोड़ना, नहीं तो छोड़ना ही नहीं, ये जेल भेजो। मैं मोदी को बोल दूंगा, ये हमारे गुजरात का है, मोदी गुजरात का शेर है। मोदी जी के लिए हरा देगा गठबंधन, मोदी जी को बोल देंगे को पेश करो उसको। गठबंधन हरा देगा मोदी जी के लिए? हाँ जी, गठबंधन पार्टियां मिलके हरा देंगी, नीतीश कुमार हरा। हम ये जनता पार्टी के आदमी है भाई, चले क्या कहेंगे नीतीश कुमार इस्तीफा देने की वजह? जिंदाबाद बीजेपी, जिंदाबाद नीतीश कुमार, नीतीश कुमार हाय हाय, नीतीश कुमार हाय हाय, उसको जूते का हार पहनाओ, परेशान कर रहे हैं महिलाओं को। हाँ, उसको माफी मांगे तब छोड़ना, नहीं तो छोड़ना ही नहीं, इस्तीफा नहीं। हाँ, इस्तीफा ले। नीतीश कुमार जो है वो महिलाओं के लिए एक तरह अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, बाद में कहते हैं कि मैं माफी मांग रहा हूँ अगर कुछ लोगों को बुरा लगा। नीतीश कुमार जी भ्रष्ट हो चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जब तक थे उन्होंने बिहार प्रदेश को काम किया, अब कोई काम नहीं कर रहे हैं, और हमारी नारी शक्ति का जो अपमान कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी को बेटी नहीं है, नीतीश कुमार जी के वाइफ नहीं है, नहीं तो आज उनकी वाइफ और बेटी जब आप मानती, जिस तरह जो है उन्होंने पूरे भारतवर्ष के नारियों का अपमान किया है, पूरे दुनिया के नारियों का अपमान किया है, उनको जो है ना इस्तीफा देना चाहिए, माफी। नीतीश कुमार की बेटी नहीं है और बीवी नहीं है, पर जिनकी माँ है, जिनकी बहनें हैं, तेजस्वी यादव, वो भी तो समर्थन कर रहे हैं नीतीश कुमार के। वो तो उन्हीं के साथ ही है ना, उनके बाप भ्रष्ट थे, तेजस्वी जी भी भ्रष्ट हैं। मैं बता तो रहा हूँ आपको, जब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ थे, मोदी जी के साथ थे, तब तक ठीक थे, तब तक उनकी शिकायत नहीं आ रही थी। अब भ्रष्ट लोगों के साथ करके भ्रष्ट वाणी का उपयोग करते हैं, गांजा पीते हैं, हमेशा नशा में रहते हैं, दिन भर में कम से कम 20 चिलम गांजा पीता है वो। हम वहीं के रहने वाले हैं, उनका बेटा जो है वो भी गांजा पीता है। हाँ, उनके घर में कोई स्त्री नहीं है, नारी नहीं है, बेटा का शादी नहीं हो रहा है, बेटा 40 साल 45 साल का हो गया, अभी तक शादी नहीं हो रहा है, वो भी भ्रष्ट है, वो भी भ्रष्ट है। मैं माफी मांग रहा हूँ। नहीं नहीं, उन इस बात का एक बात बताइए, ये नारी शक्ति है, ये पृथ्वी भी हमारी नारी है, माता है जिसके ऊपर हम खड़े हैं, आप भी एक नारी हैं, और आपके सम्मान के हम करते हैं, इसीलिए दुनिया चल रही है। जो आदमी जो है ना नारी सम्मान नहीं करता, वो देश को नहीं चला सकता, उसके लिए माफी जो नहीं है वो। क्या कहेंगे, इस्तीफा देने से बिल्कुल नकार रहे हैं नीतीश कुमार? उनको जो है ना इस्तीफा देना चाहिए, उन्होंने जो नारी का अपमान किया है, ये जो है ना हमारे भारतवर्ष की नारी बर्दाश्त नहीं करेगी। राहुल गांधी से लेकर तमाम बड़े नेता चुप है नीतीश कुमार के बयान, ये सब लोग भ्रष्ट हैं, भ्रष्ट लोग हैं, जो लोग नहीं बोल रहे हैं उनके साथ साथ में हैं, वो लोग भ्रष्ट हैं, सारे भ्रष्टाचारी हैं। राहुल जी कौन से नारी का सम्मान करते हैं, हैं? नारी को जाकर के संसद में आंख मारते हैं राहुल जी, जितने लोग जो हैं ये सारे लोग भ्रष्ट हैं, भ्रष्ट हो चुके हैं ये लोग, नारी का सम्मान इनमें है ही नहीं, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बिहार की जनता जो है वो 24 और 25 में जवाब देने वाली नीतीश कुमार, जवाब देगी, अभी ही देगी आपको।
25 में भी देगी, अभी 24 में भी देगी। 24 में कोई सीट उठाने वाला नहीं है नीतीश कुमार का। लंबे समय तक राज करेगी हमारी दोनों? करेंगे नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे वो कहीं नहीं। अभी कितना सीट लिए थे वो बताइए, वो तो भारतीय जनता पार्टी के दम पे उन्होंने सरकार बना लिया, फिर लालू जी के दम पे उन्होंने फिर सरकार बना लिया। अब इतना उन्होंने अपमान किया बिहार के जनता को, बिहार के नारियों को, कि अब उनको वोट नहीं मिलने वाला है, कोई वोट नहीं मिलेगा। जी देखिए तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और इसी की तरह जो और लोग मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। कुछ महिलाएं जो हैं वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। मैडम, नीतीश कुमार एक तरफ कहते हैं महिलाओं का सम्मान करेंगे, वही इस तरीके की बयानबाजी जो है वो दे रहे हैं। हमें तो नहीं लगता है कि वो हमारे लिए सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि जो जो वादे किए वो तो कुछ किए नहीं, बल्कि और बदतमीजी ज्यादा ही कर दिए हैं। हम माफी मांगते हैं। माफी मांगने से क्या होगा? अगर माफी मांगना है तो अपनी बहन बेटी को भी समाज में लाए, फिर हमारे घर के गांव के समाज जो बोलेगा उनकी बेटी बहू से, फिर पता चलेगा माफी मांगने से क्या फर्क पड़ता है। इस्तीफा देने से नकार रहे हैं एकदम। नहीं ऐसे थोड़ी ना होता है, इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। नारी शक्ति इस बार जवाब देने वाली है, मतलब बिल्कुल देगी जी, देना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा शब्द बोलने का कोई हक है उनको नहीं है। क्या सम्मान किया, ऐसे सम्मान करते हैं महिला की? बिल्कुल नहीं। अच्छी खासी सरकार चला रहे हैं, महिलाओं के लिए काम कर रही है बिहार सरकार। अगर काम करती तो ये शब्द थोड़ी ना बोलते, इंसान की कहीं ना कहीं से तो सच्चाई निकल के आती है ना। क्या मानसिक संतुलन नीतीश कुमार का? अच्छा नहीं है। क्या कह रहे हैं सर? नीतीश कुमार सठिया गए हैं, हाँ पूर्ण रूप से सठिया गए हैं। माफी मांगते हैं अगर बुरा लगा है तो। माफी क्या किसी को देंगे? माफी से गला वापस आ जाएगी? नहीं आएगी ना। तो फिर जब से दल बदलू वाला कार्यक्रम किए हैं तो खुद ही अपने कार्यक्रम में व्यस्त हो चुके हैं। ये कभी कुछ बोलते हैं, अलीगल बातें बोलते हैं, कभी जाती जनगणना, कभी कुछ जो मर्जी आता है वो बोलते जाते हैं। हर वर्ग के लिए जो काम कर रही है बिहार सरकार, पर महिलाओं का सम्मान क्यों नहीं कर रही? किस वर्ग के लिए काम कर रहे हैं? अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने बेटे भतीजे के लिए काम कर रहे हैं, किसी के लिए काम कर रहे हैं? वो किसी के लिए नहीं कर रहे हैं काम। किसी के साथ तेजस्वी यादव भी समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं नीतीश कुमार ने कुछ गलत थोड़ी बोला। तो चाचा भतीजा वाली बात है ना, चाचा भतीजा वाली बात है ना, तो चाचा भतीजा को ही सपोर्ट करेंगे, भतीजा चाचा को सपोर्ट करेंगे। क्या लग रहा है 25 या 24 में जनता जो है वो भरोसा करेगी इस तरीके के नेताओं पर? वो तो अगले बार ही कह चुके हैं कि हम संन्यास ले रहे हैं राजनीति से। अब राजनीति से संन्यास लेकर मंच पे बोले हैं, फिर वापस आ रहे हैं तो उनकी मर्जी है। क्या कर उनकी कुर्सी लेके क्या कहेंगे जिस तरीके से नीतीश कुमार लगातार बयानबाजी कर? नीतीश जी बेशर्म हो चुके हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। उन्होंने जो बात बोली कल वो पब्लिकली कभी नहीं बोली जाती है, जानता हर कोई है, लेकिन ऐसे नहीं बोलना चाहिए चीज़ों को। वो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है एज अ बिहारी। वो मुख्यमंत्री नहीं होने चाहिए, और जो इनका समर्थन कर रहे हैं वो खुद नौमी फेल वो मुख्यमंत्री हैं, उनके पिता उनके माता सब अनपढ़ लोग मुख्यमंत्री बन रहे हैं। और बीजेपी में जब तक नीतीश जी थे सही मानसिकता थी उनकी, जब से वो बीजेपी को छोड़ के गए हैं तो मानसिकता के लोगों के साथ जाके मिले हैं, तो जैसा संगत होता है वैसा ही इंसान का विचार बदलता है। बताइए, आपने कहा बिहार से हैं, पर तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम बिहार के युवा महिला सबके लिए हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। जरा उनसे कुछ आंकड़े तो मांगिए, बोलता तो मैं भी हूँ, तो क्या मतलब आंकड़े के साथ ना आप कुछ तो बेच दीजिएगा ना, कुछ तो प्रूफ दीजिएगा, कुछ एविडेंस तो होगा आपके साथ जिसपे आप जिसके आधार पे आप बात करोगे। किस का सम्मान ना करने वाली पार्टी या फिर नेता को क्या बिहार की जनता इस बार चुनेगी या फिर उन पे भरोसा करेगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इनके पास एक ही एक तरीका था, नीतीश जी जैसे पलटते आए फिर इस बार वो शायद बीजेपी में आने वाले थे, लेकिन इन्होंने जो जिस तरह से अपनी हरकतें दिखाई हैं इनको कभी अब एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और बिहार की जनता छोड़िए, इनको विदेशों से भी दुत्कार का सामना करना पड़ा, उनको दुत्कारा जा रहा है। और उन्होंने जो बोला है ना, एक हॉलीवुड की कोई एक्ट्रेस है, उन्होंने बोला कि अगर मैं बिहार में होती या इंडिया की होती तो मैं बिहार से चुनाव लड़ती। जी जी जी, तो अब आप ये समझिए बिहार का एक मुख्यमंत्री है जो लोगों को रिप्रेजेंट करता है बिहार को, वो किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे बिहार के लिए नहीं है पूरे इंडिया के लिए बहुत शर्म की बात है। और उनको तुरंत यथाशीघ्र इस्तीफा देना चाहिए, और वो तो संन्यास लेने की बात कह चुके तो उनको संन्यास लेना चाहिए, उनका समय आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई काम नहीं। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी की उसको लेकर वो एक तरफ माफ़ी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर लोगों को बुरा लगा है तो हम माफ़ी मांगते हैं, पर इस्तीफे की बात से नकार रही है जेडीयू और खुद मुख्यमंत्री।
देखिए सबसे पहले सभी बिहार वाले को प्रणाम नमस्कार। मैं ओम प्रकाश झा, मैं ये कह रहा हूँ नीतीश जी को, जो हमारे नीतीश जी सीएम साहब हैं, 20 साल हो गए उनको, आधी उम्र के आधी से आधी निकल गई, कुछ बचे हैं, ऐसे में सठिया गए हो, बिहार वालों को बदनाम कर रहे हैं और बिहारी जहाँ जहाँ भी है उनको बदनाम कर रहे हैं और देश को बदनाम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिहार वो धरती है जो भक्ति की धरती है, परीक्षा की धरती है, सत्य की धरती है। इनकी तरह दो किसी नहीं होता। ये अब से पहले बीजेपी के साथ थे बिहार में, बहुत बढ़िया चल रहा था सिस्टम। जैसे ही ये लालू के लड़के के साथ आए, नौमी फेल, उसके साथ आते बिहार में क्राइम बढ़ गया, लूट बढ़ गया, डकैती बढ़ गई, मर्डर बढ़ गया और रोजगार के नाम पे जीरो। बिहार से आने वाली जो दिल्ली आती है ट्रेन है वो फुल आ रही है। अब बताओ पब्लिक काम बिहार में कर रही है तो दिल्ली में क्या कर रहे हैं? और माता बहनों का जहाँ सवाल है, उन्होंने बहुत ही दुखदाई, बहुत ही क्या करो, नीतीश कुमार आप जैसे सीएम पे जो हम बिहार के लोगों ने दिया और ये फिर वही कर रहे हैं। चुनाव का टाइम है, इन्होंने इस प्रकार का बयान जो दिया है माता बहनों के ऊपर वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्यों? वो लोगों को भटकाना चाहते हैं। उनके इस नीति से कुछ लोग सपोर्ट में हैं, उनको खुश करने के लिए चाहे देश का कुछ भी हो जाए, सर्वनाश हो जाए, दुनिया हंसे हम पे, उनको कोई लेना देना नहीं है नीतीश कुमार को, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात आप देख लो, यहाँ आ गए, ये सामने उन्हीं का कार्यालय दिख रहा है। मेरे ख्याल दिल्ली में बिहार वाले इतने रहते हैं, बिहार में 20 साल से नीतीश जी, क्या किया उन्होंने? कोई एक फैक्ट्री लगाई हो, कोई एक कुछ उद्घाटन किया, कोई नया बनाया हो, कुछ नहीं किया उन्होंने। बिहार में हम इतना काम करते हैं पर दिखाया नहीं जाता। नहीं नहीं नहीं, बिहार में सिर्फ आप देख लो जो केंद्र सरकार द्वारा रोड बनाई जा रही है वही रोड मिलेंगी आपको। बिहार में कुछ नहीं, लालू के टाइम में जो था बेड़ा गर्क, नीतीश के टाइम में जब सही हुआ, जब बीजेपी साथ में थी। तो ये कहते हैं कि बीजेपी का रथ जो है वो आरजेडी जेडीयू मिलकर 24 में रोक देगी। कुछ नहीं, इनका अपना चलना नहीं, दूसरे क्या क्या रोकेंगे सीताराम, इनका अपना नहीं चलना, जनता इन्हें नकार चुकी है। ये जभी तो लेके आए जातीय जनगणना, अब ये जाति में लोगों को लड़ाएंगे, फिर अपनी रोटी सेकने की कोशिश करेंगे। और कुछ मूर्ख लोग हैं हमारे देश के जो जाति में जरूर लड़ेंगे, उनको अकल नहीं आएगी, ये जाति की रोटी सेकेंगे फिर। और क्या कर रहे हैं बिहार में, जातीय जनगणना करवा रहे हैं? हाँ छुड़ा ले, ये तेरे बस का नहीं है ये। हाँ नीतीश कुमार हाय हाय। क्या कहेंगे नीतीश कुमार, इस्तीफा देने की जगह कह रहे हैं कि हम माफी। नीतीश कुमार जी ने बिहार की विधानसभा में जो कुछ कहा है उससे दिल्ली में रहने वाले जो हमारे पूर्वांचल के भाई बंधु हैं बहुत आहत हुए हैं। हमारे देश में ये जो है संस्कार है, परंपरा है और शास्त्रों में कहा गया है कि नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान, नारी से नर होते हैं ध्रुव प्रहलाद समान। और हमारे देश में मातृशक्ति का इतना सम्मान था, भगवान श्री राम को भी यशोदा जो है कौशल्या नंदन और भगवान जो है श्री कृष्ण जी को देवकी नंदन यशोदा नंदन के नाम से जाना जाता है, पुकारा गया है। और मातृशक्ति का ये अपमान हमारे देश की माताएं बहने, खास तौर से बिहार के लोग, अब की आने वाले इलेक्शन में, आने वाले चुनाव में जो ये लालू जी की पार्टी का और हमने जदयू का जो है गठबंधन है, इसको जो है सबक सिखाने का कार्य अवश्य करेंगे। ये दोबारा कभी सत्ता में नहीं आएंगे, इनके अरमानों को धूल दूसरित किया जाएगा, ये कहना है मेरा।